तो पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम भूले भटके पहुंचे मेन पार्ट, और मेन पार्ट पहुंचते ही हम निकल चुके थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जलजली। जलजली को बाउंसिंग लैंड भी कहा जाता है, एंड उसे ऐसा क्यों कहा जाता है ये जानने के लिए हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इतना तो ऐसा तो नहीं था यार, ये ना साफ पानी से हो गया ना, लोग चले हैं ना, तो कीचड़ हो गया, खाली पैर से चलते हैं। चलो कूदो 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 कूदो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मोटी सॉइल की लेयर के नीचे पानी है, तो वैसा वेव फॉर्म बनता है। जैसे कि आप लोग कूदेंगे, हम लोग कूद रहे हैं तो वो दिख रहा है। कूदो तो एक बार, ये पूरा ऐसे वेव्स बनता है। सो ये है जलजली। यहाँ पे आके लोग कूद नहीं आते हैं, कूदने पाने, ये देखो कूद रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। सो कूदोगे तो यहाँ पे वेव बनते हैं ऐसे। कैमरा भी ऊपर नीचे हिल रहा है क्योंकि मेरी नीचे की ज़मीन भी ऐसे बाउंस हो रही है। सो ये कुछ नया है, मतलब यूनिक है, ओनली इन छत्तीसगढ़, ओनली इन मेन पार्ट। कुछ लोग वहाँ पे जलजली के पास रुके हुए हैं, वो लोग जलजली से निकल जाएंगे परपटिया, जो कि हमारा कैंप साइट है। हम लोग आए हैं खाने लेने, क्योंकि ये उल्टी तरफ था, सब गाड़ियाँ फालतू में इधर आती, सबका पेट्रोल ख़त्म होता है। इससे हमने सोचा कि दो लोग यहाँ आएंगे एंड खाना लेके जाएंगे। हे गाइस, व्हाट्स अप। सो पहले तो मुझे पता नहीं कि मेरा चेहरा दिख भी रहा है कि नहीं, पर हाँ अभी हम लोग खाना लेके अभी पहुँचे हैं। पूरा अंधेरा, हम लोग लेट हो चुके थे, लेकिन हम लोग ने छोटू मामा लोग को यहाँ भेज दिया था ताकि वो लोग यहाँ के कैंप वैम्प वाला जो है वो सीन रेडी कर ले। सो अभी बॉर्नफायर होगा, आग जल रही है। हम लोग क्या आधे तक थोड़ी बुझ गए थे, तो हमने भैया से बोला थोड़ा और जला दो। सो अभी ये जल रही है। बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये बैम्बू स्टिक्स हैं, इसके ऊपर बारबेक्यू होगा। हम लोग ने वेज लिया है क्योंकि नवरात्रि चल रही है, चिकन खाना नहीं है। सो वेज अच्छा है, एंड बारबेक्यू जंगल के बीच में टेंट के सामने बेस्ट है। सो अभी जस्ट बारबेक्यू ख़त्म किया हमने, बारबेक्यू अच्छे से पकाया भी नहीं था हमने, भूख लग रही थी ऐसे ही खा लिए हल्का हल्का सेक के। जो थोड़ी बहुत सब्जियां बच रही थी उसको मुकेश मामा काट रहे, सलाद बना रहे हैं, एंड रेस्टोरेंट से जो खाना लाए थे रात के लिए, दाल चावल एंड जो भी रोटी वोटी, वो सब अभी सर्व करेंगे, निकालेंगे, खाएंगे। कैंप का एक्सपीरियंस बहुत सही है, अभी टेंट पे सोने वाला चीज़ बचा भी, उसका भी अलग मज़ा ही होगा। बाकी बॉर्नफायर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी बहुत है, तो बॉर्नफायर तो मस्ट मच नीडेड, मतलब चाहिए ही था। तो मस्त गरम हसक आग सेकते बैठे हैं, ठंडी वाली फील आ गई पूरी। एंड इसको जो है छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है मेन पार्ट को।
सो बाकी चीज़ें कल बताएंगे, काफ़ी थक गए हैं एंड शूट भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि सबके बैटरी डेड है मोबाइल की, फ्लैश से काम नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा आग तेज हुआ तो लाइट आ रही है सही। सो